शराब कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। वहीं पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के कंगन घाट इलाके का राघोपुर दियारा इलाके में विभिन्न थानों की पुलिस की टीम ने छापेमारी कर निर्मित और अर्धनिर्मित देशी शराब को किया नष्ट। साथ ही कई शराब दर्जन भट्टियों को तोड़कर किया ध्वस्त। पुलिस की टीम को देख शराब कारोबारी मौके से हुए फरार। पटना सिटी डीएसपी का कहना था कि होली पर्व में दियारा क्षेत्र में लगातार शराब पटना सिटी अनुमंडल में आने की सूचना मिल रही थी। इसको लेकर आलमगंज थाना खाजे कला चौक और मालसलामी थाना पुलिस के द्वारा संयुक्त छापेमारी की गई, जहां दर्जनों शराब भट्टी और हजारों लीटर देशी शराब को नष्ट किया गया। आगे भी शराब के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। स्वर्णा रानी के साथ न्यूज क्राइम 24 की रिपोर्ट। देखिए, हमेशा से सूचना रहती थी कि यहाँ पर नाव से के माध्यम से उस पार से शराब, देशी शराब विशेषकर लाके पटना सिटी अनुमंडल अंतर्गत बेची जाती है। तो ये जो बीच में गंगा नदी के बीच में जो टापू बना हुआ है, वहाँ पर कई सारे अवैध शराब की भट्टियाँ हैं। तो इस सूचना पर आज हम लोगों के द्वारा चार टीम थी, चौक थाना, आलमगंज थाना, खाजेवाला थाना और मालसलामी थाना, इन सबको लेकर एक टीम का गठन किया गया और वहाँ पर जाकर छापेमारी की गई। वहाँ पर दर्जनों अवैध शराब भट्टी का संचालन हो रहा था। कम से कम हजारों लीटर शराब निर्मित और अनिर्मित शराब मिली, जिनको भी नष्ट किया। कौन सा जगह था यहाँ पर? गंगा जी के बीच में, जिसको राघोपुर दियारा का हाल कहा जाता है। वो वहाँ कोई आदमी थे कि नहीं? वो सब भाग गए हम लोगों को देख के, चूँकि हम लोग नाव से आ रहे थे, दूर से ही देखते हुए भाग गए। तो जो भी वहाँ पे शराब बनाने के उपकरण थे, बस उसको स्टोर करने के जितने उपकरण थे, उन सबको नष्ट किया गया। लगभग चार पाँच घंटे तक हम लोग के छापा। उत्पाद विभाग के पदाधिकारी कोई नहीं आए थे? नहीं, उत्पाद विभाग कोई नहीं। क्या कुछ रहा देखने को मिला सर वहाँ पर? क्या कुछ देखने को मिला वहाँ? इसमें टापू बना हुआ है, वहाँ पर खेती भी होती है और वहाँ पर झाड़ झंखाड़ भी हैं। उसी बीच में कई छोटे छोटे जगहों पर ड्रम का उपयोग करते हुए और एक उपकरण होता है जिसको इस्तेमाल करते हुए और गुड़ से शराब का निर्माण किया। कितनी शराब भट्टियाँ इसको लग रही होंगी? अभी तक हम लोग कम से कम 12 शराब भट्टियों का, उससे ज़्यादा ही शराब भट्टियों को नष्ट किए। 12 और ठीक कितनी वहाँ पर? इसके अलावा अभी हम लोग को नहीं मिले, लेकिन हम लोग चूँकि पूरा एरिया को नहीं नाप सके आज, तो आगे भी अभियान जारी रहेगा। बाकी के एरिया में भी हम लोग छापेमारी करेंगे। दो नाव सब लोग गए थे? दो नाव। कितने बजे गए थे? हम लोग 10 बजे गए। वहाँ वैशाली पुलिस भी पहुँची? बिहार के कटिहार जिले के शरीफगंज इलाके में 99 मॉल खुलने से लोगों में खुशी देखी जा रही है। 99 मॉल में एक ही छत के नीचे घरेलू और किचन का सामान समेत चप्पल, बॉडी स्प्रे, बच्चों का खिलौना और प्लास्टिक से बने विभिन्न तरह के सामान मिल रहे हैं। ग्राहकों को घरेलू और किचन संबंधी सामान के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ रहा है। वहीं होली के अवसर पर विभिन्न तरह के कपड़े और दैनिक जीवन में काम आने वाले सभी सामग्री एक ही जगह पर उपलब्ध होने पर 99 मॉल लोगों की पहली पसंद बन गई है। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज क्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।